वेलकम बैक टू माई चैनल एंड सृष्टि फूड फूड सूरत से। और आज हम कुछ बहुत ही अच्छी जगह आए, स्पेशल जगह है, हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है ये, क्योंकि हम आए हैं आज कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आपको मिलेगा स्वीट भी, चाट भी, सब चटपटा भी। और कोलकाता की जो स्वीट्स होती है जो बहुत ही फेमस है, सूरत में आपको मैं नाम बताऊंगी तो आपको भी आइडिया जाएगा, सूरत में वो काफ़ी फेमस है, उसी की एक ब्रांच है। तो चले आज हम आए हैं मिसियो में, मुदितानी मिठाई की सेकंड ब्रांच है। मुदितानी मिठाई का आपने व्लॉग देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। वेरी फर्स्ट व्लॉग हमने नानपुरा का लिया था, जो उनका सबसे पुरानी शॉप है। वेसू में उनकी सेकंड ब्रांच है मिसियो, मिसियो भी बोल सकते हैं, टी साइलेंट है इनका। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे वेगन स्वीट डिशेज आई है, तो हम वो ट्राई करेंगे। आप पीछे देख रहे हो, चाट ट्राई करेंगे। हमारी बन रही है राज कचौरी, काफ़ी नाम सुना है मैंने यहाँ का राज कचौरी के हिसाब से। ये है सबसे बड़ी बोरी, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी है के अंदर सारा स्टफिंग जाएगा, आई थिंक सो। काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, लाइक बड़ी सी। ये बॉयल पोटैटोज़ है, लाइक हम घर में चाट बनाते वो भी ऐसा ही कुछ बनाते हैं, बट इनका जो ये आई थिंक मग है, मुग। ओके, काफ़ी चटपटा होने वाला है मेरे हिसाब से। ये सेव पूरी वाली पूरी है जो हम मांग मांग के खाते हैं। ये दही वड़े, अच्छा इसमें दही वड़े भी जाते हैं, लाइक हम लोग घर में बनाते हैं तो ऐसा दही वड़ा चाट में मैंने पहली बार देखा है। अरे ये देखो, सबसे अच्छा चटपटा छोले, छोले दिख काफ़ी अच्छा रहा है, लाइक एकदम टेस्टी सा मसालेदार। ये भी जाएगा चाट में, आई थिंक इसका नाम राज कचौरी इसीलिए है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा स्टफिंग पड़ता है। और ये जा रहा है हमारा ग्रीन चटनी, काफ़ी अच्छा कलरफुल दिखने वाला है क्योंकि ग्रीन चटनी जा रही है। आई थिंक हमको स्पाइसी पसंद है, आप डाल सकते हो ज़्यादा मीठी चटनी। ये मीठी चटनी है, इसके अंदर काजू भी है, खजूर इमली और काजू, और काजू भी है इसके अंदर। ओके, ग्रीन के ऊपर मीठी चटनी, काजू डाल दो भैया। ये पड़ेगा दही कर्ड, आई थिंक राज कचौरी में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो ये कर्ड ही है। ये इनका कर्ड इतना फ्रेश रहता है कि राज कचौरी बहुत ही अच्छी बनती है। ये अच्छे से डेकोरेट हो रहा है, वाह लुक्स डिलीशियस, लाइक ये दिखने में इतना प्यारा लग रहा है ना। ये सारे पड़ रहे हैं हमारे मसाले, लाइक ग्रीन चिली मसाला, चाट मसाला, मरी पाउडर एंड ये सेव। ये बहुत अच्छा कलरफुल सा दिख रहा है, ये क्या है भैया? कलर वाले बूंदी, रंग बिरंगी बूंदी, रंगीला चुरमुरी, ठीक है, नाम अलग अलग आते हैं भैया आप लोग। तो ये रेडी है हमारी राज कचौरी 90 रुपीज़ की, चलिए ट्राई करता है। तो ये हमारे पास है राज कचौरी, आपने मेकिंग देखा होगा, एकदम कलरफुल, एकदम चटपटा बना है। मेरे हिसाब से मेरे को अभी खाना है क्योंकि इतनी बड़ी, आई डोंट नो मैं ये पूरी कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ी है, बट मेरे साथ कुछ लोग हैं वो खा लेंगे, तो चलिए ट्राई करते हैं। इसको मैंने अच्छे से तोड़ दिया है, एकदम चटपटा, तीखा मीठा खट्टा सब मिल जाएगा आपको, लिटिल बिट स्पाइसी, अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो ग्रीन चटनी कम डलवा देना, बट मुझे तो स्पाइसी पसंद है तो आई कैन ईट। अमेजिंग, बहुत अच्छा। ये जो राज कचौरी की पूरी है ना, वो काफ़ी क्रिस्पी है, और उसके ऊपर जो ये इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही स्पेशल और अच्छे लग रहे हैं। मतलब अभी आपको सूरत में यहीं पे राज कचौरी खानी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। 90 रुपीज़ प्राइस है इसकी, काफ़ी अच्छा है, 90 रुपीज़ के हिसाब से फुल पेट भर जाएगा।
अच्छी है। और जो सेकंड ब्रांच है उनकी मुद्दुदानी मिठाई की, ये सेकंड ब्रांच इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि आप यहाँ पे आपको यूनिक स्वीट डिशेस मिलेंगे, लाइक न्यू जनरेशन के हिसाब से थोड़ा न्यू जनरेशन की स्वीट डिश चाहिए तो आपको यहाँ पे ऐसे डिश मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं उनके ओनर से। तो हमारे साथ है आज बहुत ही अच्छे सूरत के बहुत ही नामचीन फूड ब्लॉगर, ही इज़ माय वेरी गुड फ्रेंड, हम स्कूल से साथ में हैं। एक्चुअली हमको बाद में पता चला कि हम स्कूल से साथ में हैं। ये है कैलोरी मैन पार्थ, आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। ये इनका मुदिता की मिठाई, आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा, उन्हीं का है। ये उनकी सेकेंड ब्रांच है, चलिए उनसे पूछते हैं क्या है ये स्पेशलिटी। मेरे स्टोर का नाम मिसी हो है, आप देख सकते हो। तो ये फ्रॉम द हाउस ऑफ मुदितानी मिठाई हो, जो 1985 से नानपुरा सिटी ओल्ड सिटी एरिया में है। तो अभी हम लोग ने इसको रीब्रांड किया है टू अट्रैक्ट द न्यू जनरेशन, और ये एक मुदिता का ही आइडेंटिटी है, पर एक अलग ही लोगों के लिए नाम है मिसी हो। तो यहाँ पे आपको फ्यूजन स्वीट्स वगैरह देखने मिलेगी, जो नए जनरेशन के लोग को स्वीट पसंद नहीं है उसको अट्रैक्ट करेगा। exactly. तो आइए अपने देखते हैं क्या क्या नया स्वीट्स है यहाँ पे। तो मिसियो में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी स्वीट्स देखने मिली, जैसे ये बेक चमचम है, कोलकाता स्वीट्स काफ़ी अच्छी, और सबसे स्पेशल बात है ये है वेगान स्वीट्स। वेगान स्वीट्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे मिलते हैं, पहली बार इन सूरत मैंने देखा हुआ है। और उनके पास काफ़ी अच्छे शिकन्स भी है, शिकन तो यहाँ के काफ़ी पॉपुलर हैं। उनके पास नमकीन भी रहेगा, अगर आपको कुछ नमकीन खरीदना है तो काफ़ी फ्रेश रहेगा। और ये बन रही है हमारी रसमलाई, आई थिंक रसमलाई इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आइटम इन स्वीट। अरे वाव, काफ़ी येलो फ्लेवर, जो येलो कलर जो दिख रहा है ना वो बहुत मस्त दिख रहा है। अच्छे से रसमलाई पूरी रेडी कर रहे हैं, वो जो प्लेट रेडी करते हैं वो रेडी हो रही है। वाव, कलर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी ऑथेंटिक वे में हमको सर्व कर रहा है। जो उनकी डिश सर्विंग की है वो एकदम ऑथेंटिक, वो जो मिट्टी वाली बनती है ना वो वाली प्लेट है। उसके ऊपर गया ड्राई फ्रूट्स, आई थिंक ये पिस्ता है, या काफ़ी अच्छी दिख रही है रसमलाई। तो ये हमारे हाथ में है रसमलाई, आपने देखा होगा एकदम ऑथेंटिक ओरिजिनल जो देसी स्टाइल में सर्व करते हैं वैसा सर्व किया हुआ है, मेकिंग आपने देखी होगी, चलिए ट्राई करते हैं। रसमलाई काफ़ी अच्छी है, आप देखोगे इतना सॉफ्ट है, सॉफ्ट के साथ जो स्पॉन्जीनेस होता है ना वो है। और स्पेशलिटी यहाँ के ये ब्रांड पे आप देखोगे रसमलाई और अंगूर रबड़ी काफ़ी पॉपुलर है, डिमांडिंग है, मतलब कस्टमर्स यहाँ पे ये बोल के आ रहे हैं कि मुझे रसमलाई अंगूर रबड़ी चाहिए, यहाँ की स्पेशलिटी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे जलेबी काउंटर की तरफ, लाइव जलेबी। वाव, जलेबी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि ये जो गर्म गर्म लाइव बनेगी ना वो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से गर्म गर्म घी में बन रही है, एकदम फ्रेश जलेबी, काफ़ी अच्छे से शेप बन रहा है। लाइव जलेबी का कुछ मज़ा ही अलग है भाई, गरम गरम जलेबी जो खाने में मज़ा है ना वो किसी में नहीं है। और ये जो प्योर घी में बन रहा है जलेबी, और आप देख रहे हो हाइजीन प्योरली मेंटेन की हुई है, हमको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ये है आपको हाइजीन बहुत अच्छे से मिलेगी, एकदम क्लीन एंड नीट रहेगी। ये जलेबी थोड़े से हमारी ब्राउन हो चुकी है, आई थिंक और क्रिस्पी करते हैं इसको, प्रॉपर ब्राउन करते हैं। और ये डल रही है हमारी चाशनी में जलेबी, ये मीठी चाशनी होती है जिसमें वो डाल रहा है। वाह, गर्मा गर्म जलेबी, थोड़ी देर के लिए चाशनी में रखेंगे फिर उनको निकाल लेंगे। और तो आज हम खाएंगे जलेबी, गर्म गर्म जलेबी के साथ हम खाएंगे रबड़ी, जलेबी रबड़ी, यस वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्बिनेशन एवर, जलेबी रबड़ी मैं वही ट्राई करूँगी, वही हम ऑथेंटिक डिश में ट्राई करेंगे क्योंकि मुझे इन ऑथेंटिक जो प्लेट है ये उसमें ट्राई करना पसंद है। ये पड़ रही है हमारी ठंडी ठंडी रबड़ी, वाव, ये हमने प्लेन रबड़ी ली है बिकॉज आई लव प्लेन रबड़ी ओनली, परफेक्ट है वो रबड़ी भी है। वाव, और ये एज यूजुअल ड्राई फ्रूट्स। तो ये हमारे हाथ में है जलेबी रबड़ी, जलेबी रबड़ी आपने देखा होगा मेकिंग फुल ऑन, मुझे बहुत पसंद है जलेबी रबड़ी इसलिए मैंने स्पेशली बोला है कि मुझे जलेबी रबड़ी खानी है, तो चलिए ट्राई करते हैं। गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी ठंडी रबड़ी का जो कॉम्बिनेशन है, वाव, क्रिस्पी जलेबी विद दिस रबड़ी इज वेरी गुड।
अब हम ट्राई करेंगे आलू टिक्की चाट, 90 रुपीज़ प्राइस है इसकी। आलू टिक्की चाट इज़ वन ऑफ माई, कहता है ना कि मुझे बस ट्राई करना है, क्रेविंग होती है, उस टाइप की चाट है। आपने टिक्की देखी हुई काफ़ी बड़ी है, और एज यूजुअल छोले जो मसालेदार छोले हैं हमारे वो डल रहे हैं, ये तिक्खी चटनी पड़ी। स्पाइसी थोड़ा सा हम ज़्यादा खाते हैं तो हम तिक्खी चटनी यूज़ कर सकते हैं, मीठी चटनी आई थिंक ये खट्टी मीठी चटनी होती है। उसके ऊपर पड़ रहा है दही, कर्ड, कर्ड इनका काफ़ी फ्रेश है, मुझे कर्ड बहुत पसंद आया, हमने राज कचौरी भी खाई उसमें कर्ड काफ़ी अच्छा था। ये ओनियन, टमाटो, चाट मसाला वगैरह पड़ रहा है मसालेदार, सेव, आई थिंक ये रेडी है हमारी आलू चाट, आलू टिक्की चाट 90 रुपीज़ प्राइस। चलिए ट्राई करते हैं, काफ़ी यूनिक दिख रही है। क्या हमारे पास आलू टिक्की चाट 90 रुपीज़ प्राइस है, इसकी मेकिंग आपने देखी होगी काफ़ी यूनिक और ऑथेंटिक आलू टिक्की चाट जो बोलते हैं वो, क्योंकि अभी तो हर जगह आपको देखा होगा बेसिक से आलू टिक्की चाट मिलती है, ये कुछ डिफरेंट है, चलिए ट्राई करते हैं। जिसको ऑथेंटिक चाट खानी हो ना वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका जो चाट का जो कॉम्बिनेशन फ्लेवर जो आते हैं ना सारे तीखा मीठा खट्टा वो बहुत अच्छा है, वो मज़ा आएगी खाने में, टिक्की बहुत अच्छी है इसकी। आज की वीडियो में आपने देखा होगा अच्छे अच्छे चाट्स, रबड़ी जलेबी, स्वीट्स, वेगान स्वीट्स देखोगे सूरत में, आपने कहीं पे भी आपको वेगान स्वीट देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स लाइक आपने देखा होगा कि उसमें एक भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है, तो इट्स अ वेरी गुड डिशेज। मतलब अभी जैसे जनरेशन बढ़ रही है ना वैसे वैसे हमको भी स्वीट्स अलग अलग खाने मिल रहे हैं, तो आप भी आ जाए यहाँ पर, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा फुल डिटेल मिल जाएगी कहाँ पर, एंड आप मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, तो कैसा लगा आज का वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट इन सूरत।